इस वीडियो को आप एक मिनट स्किप करके भी प्ले कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हम फिर से वापस आ चुके हैं एक नए वीडियो के साथ। तो गाइज, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और इस हमारी बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने फ्रेंड के साथ, फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर करिए। गाइज़, हम बहुत सारे वीडियोज़ आपके लिए लाते रहते हैं, पूरे न्यूज़ से रिलेटेड जो भी वायरल मटेरियल होता है, जो भी बड़ी बड़ी डिबेट होती है, सबका हम आपके लिए प्रॉपर वीडियो लाते रहते हैं। तो आप हमारे चैनल से बने रहिए। जो इमदाद मिलती है वो बल्कि उसमें मज़ीद इजाफा होगा आइंदा 3-10 बरसों में, क्योंकि वहाँ की नायब सदर कमला हारिस ने चंद दिन पहले कहा कि हम आइंदा 10 साल में इसराइल को $38 अरब इमदाद की फराहमी का वादा पूरा करेंगे। तो एक एक मुकम्मल इत्तेफाक राय है तमाम बड़ी कुव्वतों के दरमियान के उन्होंने इसराइल को तहफ़ फराहम करना है। वो तहफ़ अब वो किस कीमत पर फराहम करते हैं ये अभी बहुत बड़ा सवाल है, इसमें अखलाकियात का मसला आ जाता है। लेकिन मैं फिर कहूँगा कि दुनिया की जो सियासत है वो अखलाकियात की बुनियाद पर नहीं चलती है बल्कि माली मफादात की बुनियाद पर और ज़ाहिर है सियासी मफादात की बुनियाद पर। इम्तियाज़ गुल साहब, ये जो कुछ हम देख रहे हैं, कुछ रीजनल चेंजेस हो रही हैं, कुछ पॉलिसीज चेंज हुई सऊदी अरब। कौन सी पॉलिसी चेंज हुई? सऊदी अरब ईरान का हम देख रहे हैं, अमेरिका ईरान हम देख रहे हैं, फिर तुर्की है, फिर चाइना है। यू थिंक कि ये सारी चीज़ें ये कांस्टेंट है, कोई इस तरह से तब्दीली हो नहीं रही, ये स्टेटस को ही रहेगा? पता नहीं आप कौन सी तब्दीलियों की बात कर रहे हैं। जो तब्दीलियां अगर हुई भी हैं तो वो भी इसराइल के मफाद में हो रही हैं। यानी मुत्तहिदा अरब अमारात ने तस्लीम किया अगर इसराइल को, तो इसका मतलब है कि इस्लामी मुल्कों के दरमियान जो बज़ाहिर एक नाम नहाद सा इत्तेहाद नज़र आ रहा था वो ख़त्म हो गया। इसी तरह सऊदी अरब को भी उसी लाइन पे लगाया गया। वाहिद एक जो बड़ा मुल्क है गैर मुस्लिम वो चीन है, उन्होंने खुल के इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी जो फ़लस्तीन में हुई, जिस वहशियाना अंदाज में उन पर मुजालिम किए गए गुज़श्ता 11 दिन के दौरान, उसकी खुली मजम्मत की। लेकिन उसके अलावा मैं नहीं समझता कि कोई बहुत बड़ी तब्दीली आई है। हमारे पड़ोस में कश्मीर में भारत ने कश्मीर का खसूसी स्टेटस ख़त्म करके और जिस तरह Article 35A को भी ख़त्म किया और गैर कश्मीरियों को वहाँ पे ला के आबाद करने की एक नई नौआबादियाती पॉलिसी शुरू की है, उसके खिलाफ क्या कोई मुल्क बोला है सिवाय पाकिस्तान के? और क्या पाकिस्तान बोलता ना भी बोलता क्या हम उस अमल को रोक सकते थे जो जिस जो अमल भारत ने शुरू किया? आप कह रहे हैं कि कोई ऐसी बात नहीं की उस हवाले से। आप कह रहे हैं कि रीजनल कहते हैं हमें ज़हन में रखनी चाहिए। ठीक है, आप कह रहे हैं रीजनल चेंजेस भी जो हैं वो इसराइल के की हिमायत में, उन्हीं की सपोर्ट में। पीजे मीर साहब, आपका क्या ख्याल है, कितना लगा आपको कि वाकई दुनिया ने सीरियसली रिस्पॉन्ड किया है? दुनिया से मुराद ज़ाहिर है आम लोग तो मुजाहरे कर सकते हैं, मजम्मत कर सकते हैं, इजहार यकजहती कर सकते हैं, लेकिन वो लोग जो फैसला साजी करते हैं, जो फैसला साज इदारों में बैठे हैं, जिनकी से है और दुनिया जिनकी बात मानती है, उन्होंने कैसे हैंडल किया है सारी सिचुएशन को? अब तो ज़ाहिर जगमंदी हो गई है, लेकिन ये मामला हल भी तो करना है। आपको लगता है कि कोई वाकई सोचता है कि इसको हल करना चाहिए? नहीं, कोई नहीं सोचता है। ये देखे ना, अगर जब हम बात करते हैं कश्मीर की या पैलेस्टाइन की, ये लॉन्गेस्ट सर्वाइविंग पोलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट हैं अभी तक यहाँ चल रही हैं। किस दुनिया के आप कह लो कि एक पावरफुल स्टेट को कह लो कि कुछ ने किसी ने कोई इंटरफेयर किया हो या इंटरमीजरी बना हो, कोई नहीं। मेरी अमेरिकन सेनेटर से भी इस पर बात हुई, इनफैक्ट हेनरी किसिंजर से हुई, एंड उसको हंस के जवाब दिया, ओ आई कम इन 40 years ago। वेल यू केम इन 40 years ago, बट व्हाट डिड यू डू अबाउट द कश्मीर इशू? नो गवर्नमेंट रियली डिड इट। एंड में जब पुश कम्स इनटू अ क्रंच, वो कहते हैं जी ये तो आपका अपना मसला है। ब्रिटिश पार्लियामेंटेरियन से होती है, वहाँ दो ग्रुप्स बने हुए हैं, फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान एंड फ्रेंड्स ऑफ इंडिया, इनकी आपस की एक आप कह लो एक बहसा मुबासा होता रहता है वहाँ, बट इट इज़ ऑफ नो अवेल। ह्यूमन राइट्स वायलेशंस कश्मीर में आपने देख लिए, ह्यूमन राइट्स वायलेशन 2008 और 9 में बदतरीन किस्म के आपने देख लिया जो इसराइल ने किया था। 2006 में हिजबुल्ला की वॉर होती है, 2 साल इनको ब्लॉकेट में डालते हैं, और उसके बाद ये 2008 और 9 के अंदर 300 बच्चों को सख्त मारा और 1600 आदमियों को सख्त वहाँ सिविलियंस को उन्होंने इंजर किया। कौन बोला था?
सब ठप हो गया 2009 के बाद, फिर ग्रेजुअली अब जो दोबारा ये इंटरनेशनल टेररिज्म इन्होंने जो चलाया है उसके बाद हम सब उठ जाते हैं, हम स्लम्बर में चले जाते हैं फिर उठ जाते हैं। कश्मीर पे भी यही होता है, पैलेस्टाइन में भी यही होता है। सो वी रियली नीड टू बी रीथिंकिंग आवरसेल्व्स। अब आप कहते हैं मुस्लिम उम्मा, व्हाट इज मुस्लिम उम्मा? अब आपने कहा ना पॉलिसी चेंज और ये वो, अब आपके जो इनर कोर है अब वो आपका इनके साथ अब जाके उनको रिकॉग्नाइज कर लिया। हमारा तो डे वन से है ना पासपोर्ट के ऊपर, रिकॉग्नाइज एवरी कंट्री एक्सेप्ट यू नो इसराइल। बट द क्वेश्चन हियर अराइजेस के हु इज गोइंग टू बेल द कैट? नो वन इज गोइंग टू बेल द कैट। ये आपको उसी तरीके से सिक्योरिटी, मैं मिला इसको, मैं आई फॉरगेट हिज फुल नेम, सर पीटर ग्रीन था, हाँ ये ही वॉज हेडिंग नेटो फ्रॉम द ब्रिटिश साइड। तो हमारी जब कॉल हुई तो मैंने कहा सर पीटर व्हाई इज इट दैट यू नो नेटो डजंट डू एनीथिंग? तो हंस के बोला ऑफ द रिकॉर्ड, वेल इट्स द अमेरिकन्स, दे कॉल द शॉट्स, सो अमेरिकन्स आर बेसिकली कॉलिंग द शॉट्स वेयर इट रियली मैटर्स एंड यू कांट डू एनीथिंग अबाउट इट। अब आगे आप कैसे जाओगे? अमेरिका हैज मेड इजराइल एज अ फ्रंट लाइन प्रॉक्सी स्टेट अगेंस्ट द अरब वर्ल्ड एंड अगेंस्ट प्रोबेबली रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, बिकॉज वहाँ इन्होंने यूज करना है इसराइल को भी, जो कि इसराइल को अभी समझ नहीं आ रही। इन द लॉन्ग टर्म यहाँ भी जब कोई आप कह लो कि कलेमिटी आएगी तो इसराइल विल बी द फर्स्ट टू गो इन द इवेंट ऑफ एनी, आप कह लो कि आई होप नॉट, आई होप इट डजंट हैपन न्यूक्लियर कन्फ्रंटेशन, बट यहाँ वी नीड डायलॉग, वी नीड अ स्ट्रॉन्ग डायलॉग एंड डायलॉग ऑन इक्वल टर्म्स। अगर जब तक ये नहीं होगा तंजीला, आई एम सॉरी टू से ये डिबेट्स चलती रहेंगी। अच्छा, हमने हालात ऐसे देखे हैं चौधरी साहब, आपने दोनों मेहमानों की गुफ्तगू सुनी है कि कुछ भी उस तरह से तब्दील नहीं हुआ। आपको लगता है कि जिस तरीके से दुनिया ने अभी रिस्पॉन्ड किया है, और हम कहते हैं मतलब ये हमारी खुशफहमी भी हो सकती है गलतफहमी भी हो सकती है, कि आज की दुनिया काफ़ी तब्दील हो गई है, सोशल मीडिया की एक पार है, आम लोगों की आवाज़ जो है वो ऐवान इक्तदार तक जा सकती है, पॉलिसी साज इदारों तक पहुंचती है, और जाहिर है कोई ना कोई दबाव भी होता ही है। आपको लगता है कि कोई चीज़ तब्दील होगी फ़लस्तीन और मसला कश्मीर के ऊपर, ये बस ये ऐसे स्टेटस को रहेगा, जब कहीं बर्बरियत ज़्यादा होगी ऐसे ही हम एहतजाज करेंगे, जब मामला थम जाएगा जंग बंदी हो जाएगी हम बैठ जाएंगे और फिर इंतज़ार करेंगे कि अगली बर्बरियत कब होगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया तंजीला। बात यह है, जितने एहतजाज सोशल मीडिया तकरीर स्पीच ये करने वाले कौन लोग थे? ये आम आवाम थी। जो फैसला साजी है वो कहीं और होती है, जो फैसला करने वाले हैं उनको कोई सरोकार नहीं। हर 2-4 साल के बाद इज़राइल आकर अभी ये 11 दिन मुसलसल गोलाबारी शुरू रही, जो सत्यानाश उसने वहाँ किया बिल्डिंग्स का, जो शहादतें की मासूम बच्चों की पूरी दुनिया ने देखी, जब मार मार के थक गया तो अपनी मर्जी से पीछे हट गया, और पूरी दुनिया इसको इस पेराहे में देख रही है कि शायद हमारे सोशल मीडिया की वजह से वो रुक गया है, शायद हमारी तकरीरों एहतजाजों और मज़ाहरों की वजह से वो रुक गया है। उसको कोई सरोकार नहीं, क्योंकि जो ताकतें हैं वो उसके साथ है। वो कतन, जिस तरीके से इम्तियाज साहब ने कहा कि वो कमला हारिस ने कहा कि हम 38 बिलियन इनको देंगे, तो वो तो उनके साथ खड़े, पहले ऐलान आके खड़ा ऐलान कर रही है कि हाँ बिल्कुल जो है ना वो इसराइल के साथ खड़े। तो जब वो ताकतें खड़ी हैं वो एक दूसरे के जो राइट्स हैं उसको जो है वो प्रोटेक्ट करते हैं। बाकी जहाँ तक जैसे पीजे मीर साहब कह रहे हैं कि व्हाट इज़ उम्मत ये उम्मा, तो उम्मा हमारी कहाँ है? कि आप सऊदी अरेबिया की तरफ देख लें, आप दुबई की तरफ देख लें, जो तस्लीम करके बैठे हुए हैं। अभी ये जो जंग हुई है तो जंग में जो बयान आए हैं अबू धाबी के, वो क्या बयान थे? तो बात यह है कि ये तकरीरों से थोड़ा आगे जब तक हम नहीं निकलेंगे, पूरी दुनिया आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस है कि अल कुफर मिल्लतुन वाहिद, कि कफार जो है वो तमाम एक कौम। तो दोस्तों ये वीडियो यहाँ पर होता है ख़त्म, आप यहाँ से ये वीडियो छोड़कर जा सकते हैं। आपने देखा पाकिस्तानी मीडिया यहाँ पर डिस्कस कर रहा था इसराइल को लेकर, और इसमें कश्मीर भी लगाया उसने। तो यहाँ पर जो इम्तियाज़ गुल थे वो तो काफ़ी मतलब बहुत सिंसियर और बहुत अच्छे जर्नलिस्ट हैं, तो वो उन्होंने क्लियर बता दिया कि आप अपने बगल में कश्मीर में भारत कुछ भी करता है आपकी हिम्मत नहीं होती, आप क्या कर लोगे, तो इसराइल की तो आप बात ही मत करो। और एक और जो साथी बैठे थे उन्होंने बोला कि इसराइल किसी के जोर या दबाव से नहीं रुका, वो मारते मारते थक गया तो उसने कहा आप सुस्ता लो अब रुक जाओ, इस तरीके से रुका इसराइल। तो गाइज़ आप समझ सकते हो पाकिस्तान के कुछ लोग तो सच बोल रहे हैं,
आपको भी पता है कि इसराइल ने प्रेसिडेंट जो बाइडन को भी मना कर दिया था कि हम नहीं रुकेंगे जब तक हमास से रॉकेट आना बंद नहीं होंगे। तो जब हमास से रॉकेट आना बंद हुए उसके बाद ही इसराइल ने सीज़ फायर एग्रीमेंट किया, हालांकि उसके बाद भी पथराव हुआ, उसके बाद उन्होंने फिर गोलियां चला दी, लेकिन अब हो चुका है, मतलब कुल मिला के बंद हो चुका है। तो गाइज़ अब पूरा फोकस अब पाकिस्तानी मीडिया का आ रहा है इंडिया के कोरोना सिचुएशन पर, और ये इंडिया में कोरोना सिचुएशन काफ़ी एंजॉय कर रहे थे। इसराइल कांड के कारण इनका थोड़ा डिस्ट्रैक्शन हो गया, नहीं तो ये इंडिया में जो लोग मर रहे थे, इंडिया की जो इकोनॉमी आपको भी पता है कोरोना के लॉकडाउन से तबाह होगी, तो उसमें ये लोग काफ़ी एंजॉय कर रहे थे इंडिया की सिचुएशन। तो आप समझ सकते हो पाकिस्तानी हैं, एंजॉय ही करेंगे, उनके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है, खुद का तो कुछ है नहीं। खुद तो ऐसी सिचुएशन थी कि लास्ट ईयर इनको गेहूं रूस से लेना पड़ गया, अभी चाइनीज़ वैक्सीन लगा रहे हैं और चाइनीज़ वैक्सीन लगाने के बाद खुद को हज करने नहीं मिलना है, क्योंकि यूएई ने चाइनीज़ वैक्सीन वाले लोगों को हज करने पर पाबंदी लगा दी है। तो सिचुएशन इनकी ये है, और ये लोग इंडिया की कोरोना सिचुएशन एंजॉय कर रहे हैं। आपको बता दूं, आप मैंने मेरा अगर आपने कल वीडियो देखा होगा तो मैंने अपलोड किया था। तो गाइज़ ये वीडियो यहाँ पर होता है ख़त्म। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखा, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।